हेलो एवरीवन, दिस इज संगीत गुप्ता. वेलकम बैक इन ज्योग्राफिक ट्रेंच. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिलेबस रिडक्शन ऑफ द आईसीएसई. जो आईसीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है वो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे. और आज हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में. क्लास टेंथ का कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. ओके, तो इस ईयर में जो सिलेबस का रिड्यूस किया गया है वो कौन कौन से टॉपिक हैं. बेसिकली जो पैरामीटर रखा है आईसीएसई ने, कोई भी टेंथ क्लास में कोई भी फुल चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है. ठीक है ना, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं सिलेबस में, उनको डिस्कस करते हैं. देखिए, सबसे पहले जो टोपोग्राफिकल मैप्स है, जो टोपो शीट आता है, उसमें इन्होंने क्या रिड्यूस किया है. दे हैव रिड्यूस्ड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वैली, रिज, वाटर डिवाइड एंड एस्कार्पमेंट. टोपो शीट में सिर्फ ये टॉपिक को रिड्यूस किया, बाकी एज इट इज टॉपिक सारे के सारे हैं. ठीक है ना, उसके बाद में मैप ऑफ इंडिया में कुछ टॉपिक्स रिड्यूस किए हैं, जिसमें माउंटेन हिल्स में गारो, खासी, जयंतिया हिल्स, ये तीन हिल्स को रिड्यूस किया है. देन माउंट कंचनजंगा, जो आपकी पीक है, माउंट कंचनजंगा को रिड्यूस किया है. देन उसके बाद में अगर हम रिवर की बात करें, क्योंकि 24 रिवर्स सिलेबस में थी, अब उन्होंने रावी रिवर, ब्यास रिवर, चेनाब, गंडक एंड कोसी, तो इन पांच रिवर को, इन फाइव रिवर्स को रिड्यूस किया है. ओके, तो एंड एज वेल एज एक पास, जो आपके दो पास थे, काराकोरम पास और नाथुला पास, तो नाथुला पास को रिड्यूस कर दिया गया है. तो इतना मैप पोर्शन में रिड्यूसन हो गया है. अब अगर हम चैप्टर की बात करें तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है. देन उसके बाद में आपका सॉयल इन इंडिया में कोई चेंजेस नहीं है. नेचुरल वेजिटेशन में कोई चेंजेस नहीं है. वाटर रिसोर्सेज में कोई चेंजेस नहीं है. देन मिनरल रिसोर्सेज में इन्होंने दो तीन टॉपिक रिड्यूस किए हैं, जिसमें आपका पहला है हाइडल पावर, और उसमें जो दो डैम थे आपके, भाखरा नांगल डैम और हीराकुड डैम, उनको रिड्यूस किया है. देन टाइडल एंड जियोथर्मल एनर्जी, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कई पार्ट्स ऑफ एनर्जी थी, उसमें टाइडल और जियोथर्मल एनर्जी को रिड्यूस किया है. देन उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर आता है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर में इन्होंने जो सिलेबस रिड्यूस किया है वो टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया. अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग में जितनी भी टाइप की फार्मिंग होती है, चाहे वो आपकी सबसिस्टेंस फार्मिंग हो, चाहे वो आपकी कॉमर्शियल फार्मिंग हो, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, ओके, प्लांटेशन कल्टिवेशन एज वेल एज मिक्स फार्मिंग, इन सारी फार्मिंग को इन्होंने रिड्यूस कर दिया है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, सिर्फ एग्रीकल्चर चैप्टर में. नेक्स्ट आपका जो चैप्टर है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में इन्होंने सिल्क इंडस्ट्री को रिड्यूस किया है, सिल्क इंडस्ट्री को. तो इतना सिलेबस सिर्फ रिड्यूस हुआ है ज्योग्राफी क्लास टेंथ में. ट्रांसपोर्ट चैप्टर में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, और वेस्ट मैनेजमेंट में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं. तो ये चेंजेस आपको ज्योग्राफी के टॉपिक्स में देखने को मिलेंगे. तो ये टेंथ क्लास का सिलेबस जो हमने बताया, इतना सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपका. ऑलराइट, अगर हम बात करें कंप्यूटर में, क्लास टेंथ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया गया है, तो वो है आपका इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन पूरा रिड्यूस कर दिया गया है. ओके, उसके बाद में एरे जो आता है, एरे में आपका सिलेक्शन शॉर्ट, ओके, बाइनरी सर्च और टू डायमेंशनल एरे, जिसे 2D एरे कहा जाता है, ये तीन टॉपिक एरे में से रिड्यूस कर दिए गए हैं. बाकी कंप्यूटर एप्लीकेशन का सिलेबस एज इट इज है. ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, इनकैप्सुलेशन पूरा कंप्लीट, एरे, एरे में सिलेक्शन शॉर्ट, बाइनरी सर्च और टू डायमेंशनल एरे, तो इतना टॉपिक आपका कंप्यूटर में रिड्यूस कर दिया गया है.